दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आईडी रूट्स में एक बार फिर से। तो मैंने दोस्तों आपको मोटोरोला G60 फ्यूज़न वाली वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पर रेडमी नोट 10S भी ऑर्डर किया है अमेज़ॉन की सेल से। तो जो मुझे दोस्तों यहाँ पर 12,000 रुपये का ये पड़ा है। मेरे पास यहाँ पर HDFC का दोस्तों डेबिट कार्ड था, तो उससे मैंने यहाँ पर ऑफ़र लगाया और मुझे ये 12,000 रुपये में यहाँ पर पड़ गया था। तो चलिए दोस्तों इसकी मैं आज आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूं यार कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना दी थी, लेकिन उसमें पता नहीं यार कुछ ऑडियो इश्यू आ गया था एंड वॉइस ओवर भी दोस्तों उसमें ढंग से हो नहीं रहा था। तो इसलिए मुझे नए तरीके से यहाँ पर अनबॉक्सिंग की वीडियो बनानी पड़ रही है। उसमें एक्चुअली मैंने नाइट को वीडियो शूट की थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी लाइट की। एंड दोस्तों सबसे पहले आपको अमेज़ॉन का ये बॉक्स मिलेगा, इसको मैंने पहले ही काट लिया है, तो जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड आपको अंदर यहाँ पर रेडमी नोट 10S देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों इसका बिल भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों मैंने निकाल दिया है, पता नहीं कहाँ होगा अब। एंड दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की, तो भाई डब्बा तो भाई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है रेडमी के इस वाले फ़ोन का। वैसे दोस्तों इनके सारे फ़ोन के डब्बे ही ऐसे आते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते नहीं हैं। तो भाई अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ। एंड ओपन करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़े इसके स्पेक्स यहाँ पर बता देता हूँ जो मैंने लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया टेक हीलियो G95 हाइपर इंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने को मिलता है। तो गेमिंग पर्पज़ से अगर आप लेना चाहते हो 12-13 हज़ार रुपये में अच्छा फ़ोन, तो ये आपके लिए बेस्ट था अगर आप ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपने परचेज़ किया होगा। उसके बाद 5000 mAh की दोस्तों बैटरी देखने को मिल जाती है। टाइप सी चार्जर है, 33 वॉट का दोस्तों चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों साथ में 180 Hz टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड दोस्तों इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो मुझे लगा है कि इसमें ड्यूल स्पीकर है, जो गेमर्स हैं उनके लिए काफ़ी सही है। एंड दोस्तों LPDDR4X USF2.2 वाली स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है, जो कि अगर आपके रैम मैनेजमेंट में काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों ये सब कुछ इसके फीचर्स है। इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप देख सकते हैं, अल्ट्रा वाइड है, मैक्रो भी है। एंड दोस्तों ये भी इसकी एक ख़ास बात है कि आपको 12,000 रुपये में पड़ रही थी सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी प्लस वाली। इसमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों 6GB 64GB इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिलती है। तो भाई 12,000 रुपये में इससे अच्छा पैकेज 13,000 भी अगर आप मान के चलो तो शायद से गेमिंग के लिए तो भाई ये बेस्ट है। एंड इसमें आपको वेट है जो वो भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। तो भाई 168-170 ग्राम के आसपास ये फ़ोन है, ज़्यादा हैवी नहीं है। मैंने मोटो का फ़ोन यहाँ पर यूज़ किया, तो उसके कंपैरिजन तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हल्का फ़ोन ये लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं फ़ोन खोल के यहाँ पर बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्टफोन आपको अंदर देखने को मिल जाता है। इसमें मैंने दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया है, पहले नहीं था। तो आप देख सकते हैं इसका मैं डिज़ाइन आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो मैंने डीप सी ब्लू यहां पर कलर लिया है। एंड आप देख सकते हैं मुझे रेडमी नोट 10S का डिज़ाइन दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा बम भी आपको ज़्यादा यहां पर देखने को नहीं मिलता है, जो मैक्सिमम फोन्स में यहां पर दिक्कत बन जाता है। तो दोस्तों डिज़ाइन वाइज मुझे कोई ऐसी कमी नहीं लगी एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। तो डिज़ाइन में दोस्तों इसको मैं फुल नंबर देना चाहूँगा। बात करें दोस्तों आउटडोर विजिबिलिटी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आउटडोर विजिबिलिटी की काफ़ी सही, अगर आप यहाँ पर फुल ब्राइटनेस इसकी कर देते हो। एंड आप देख सकते हैं कैमरा मोड में भी आप क्लियरली यहाँ पर पिक्चर्स देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की ये पिक्चर्स निकालता है आउटडोर में। एंड दोस्तों यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, आप साइड से देख लो, नीचे से देख लो, जैसे मर्जी। तो आप कॉर्नर से भी देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें दोस्तों आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों आपको निचली साइड यहाँ पर एक हेडफोन जैक भी प्रोवाइड किया गया है, जो मैक्सिमम फोन्स भी अब आना बंद हो चुका है, तो काफ़ी सही बात है। बात करें कैमरा मोड की, तो अल्ट्रा वाइड यहाँ पर आप 0.6x तक ले जा सकते हो, जो कि मैक्सिमम फोन्स में 0.5x तक ही जाता है। एंड दोस्तों इसकी क्वालिटी भी मुझे सही लगी है। रेडमी के दोस्तों जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन होती है काफ़ी सही होती है, इसमें गूगल कैमरा अगर आप डाउनलोड भी करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई उसके बाद अगर बॉक्स में आप और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक केस देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। जो प्लास्टिक केस है दोस्तों उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है,
बड़ा सा बेकार सा आपको दिया गया है। बात करें सिम इजेक्टर टूल की, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स में दोस्तों अंदर की ओर अगर आप और जाए तो इसमें आपको एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है माई की ओर से, जो कि 33 वॉट का आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है टाइप सी केबल, जिसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। एंड दोस्तों बॉक्स में इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड दोस्तों ये कम्प्लीट यहाँ पर अनबॉक्सिंग थी एंड मेरा फर्स्ट रिव्यू था आप लोगों के लिए। एंड इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ लाऊंगा। अगर आप कहें तो मोटो G60 से मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूँ। एंड इसका चार्जिंग टेस्ट भी दोस्तों आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा।